आज हम आपको परवल की फ्राई बना के दिखाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये परवल को हमने छील के धो के साफ़ कर लिया है और इसे हमने दो टुकड़ों में काट लिया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये परवल है और इसके ऊपर एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और जितना भी तीखा रखना है उस हिसाब से हम मिर्चा डाल लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मिक्स हो चुका है, तो इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इधर हमने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, तो ये हम अब इस तेल में डाल देंगे। तेल में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे डायरेक्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, तो ये तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम ढक के पकाएंगे। अब इसे ढक के हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से परवल पकना स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो इसे हम फिर ढक देंगे और फिर से इसे हम चेक कर लेंगे। और ये देखिए अब ये बिल्कुल गुलाबी हो चुका है और तेल भी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है परवल। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये परवल रेडी हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो आइए इसे हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये हमने परवल की फ्राई को सर्व कर लिया है और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसे आप बना के रोटी दाल चावल के साथ खा सकते हैं और जो लोग परवल नहीं भी खाते हैं उसे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह से घर पे बनाइए, बहुत इजी रेसिपी है। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।